थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा, ये इस साल की लास्ट वीडियो है और ये मेरे लास्ट फोटोशूट के ऊपर भी है इसी साल का। ऐसा नहीं कि मैं फोटोग्राफी छोड़ रहा हूँ, नहीं, इस साल मैंने अपनी लाइफ के सबसे बड़े फैसले लिए थे। फुल टाइम यूट्यूबर बनने का सोचा, ग्रेजुएशन खत्म हो गई, बीएससी में पास आउट हो गया, तो मैं कह सकता हूँ मैं पढ़ा लिखा फोटोग्राफर हूँ। इस साल से मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ इस साल से, क्योंकि जो भी मैंने फैसले लिए हैं मैं खुश हूँ उन चीज़ों से। बट मैं थोड़ा सा तो बुरा लगता है कि यार इतनी मेहनत मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने बोला था नया सॉन्ग लाऊंगा और मैंने 2 या 3 दिन में नया सॉन्ग डाल दिया नए दोस्तों के साथ, उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं थी, बट वो सॉन्ग ज़्यादा उठा नहीं, ठीक है चलो उसे भी इग्नोर करते हैं। बट यार मैं रेगुलर रील्स डाल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से बेस्ट निकालने की, बट इतना ईजी नहीं होता एज ए कंटेंट क्रिएटर, वो भी एक अकेले बंदा जब सब कुछ काम करे, एडिटिंग से लेकर शूटिंग। अगर आप इस अकाउंट को देख रहे हैं तो इसमें रेगुलर अपडेट मैं करता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ग्रो करने में मदद करें। ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है इस साल की, बिकॉज मैं कंटिन्यू कह रहा था आपसे कि मुझे साल के लास्ट तक 500 का टारगेट कंप्लीट करना है, जो नहीं हो पाया। फिर भी इग्नोर दैम, इस चीज़ को छोड़ते हैं, हम आगे ग्रो करें कोशिश करते रहेंगे। उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। तो मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बात करेंगे लास्ट शूट के बारे में। देखिए लास्ट शूट के बारे में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं करूँगा, मैं आपके साथ कुछ फोटो शेयर करना चाहूँगा। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और दिल्ली के आप आसपास रहते हैं और आप उसके बाद भी यमुना घाट ना जाएं विंटर्स के टाइम पे, तो क्या ही कहने। मैंने सोचा इस साल को कम बाय बाय यमुना घाट के शूट के साथ करते हैं। इस शूट पे मैं अपने दोस्त के साथ गया था रिसेंटली, अगर आपने सॉन्ग वाली वीडियो देखी होगी तो इन्होंने एक्टिंग की थी उसमें और बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। ये शूट दिसंबर 31 को हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इस वीडियो को शूट करना, एडिटिंग करना और जो भी काम हुआ है वो सब कुछ एक दिन में हुआ है। और कुछ चीज़ें आपने अगर नोटिस करी हो तो सेटअप में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं और आगे जाके एक दो वीडियोस बाद आपको और ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे। प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, राम राम।